के कौमी सलूट और सलाम जनाना सरद की आवाज को सरद के सिपाहियों के साथ आ जाकर खड़े हुए हैं। ऐसे प्रधानमंत्री बहुत बहुत सलूट और सलाम सर। और चलो 3 मार्च को फिर से हम इकट्ठे होंगे और वोट उसी को जो पैरामिलिट्री के जवानों की हक की बात अपने चुनाव घोषणा पत्र में जय पैरामिलिट्री। धन्यवाद। 3 मार्च को लोग लुगाइयों के साथ साढ़े शक्तियों के साथ यारे प्यारे रिश्तेदारों के साथ नजारा बदलेगा। मौसम बदल रहा है और सरकार को हमारी प्रेजेंस का पता हम आधे अधूरे नहीं देंगे। आप जो है अपने राज निवास को 7 RCR को बदल कर लोक कल्याण कर सकते हैं, दिव्यांग विकलांग को दिव्यांग में कर सकते हैं, नीति आयोग को योजना आयोग को नीति आयोग में कर सकते हैं, लेकिन आधे अधूरे अर्ध सैनिक को पूर्ण सैनिक का दर्जा पैरामिलिट्री एकता जिंदाबाद 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 वन रैंक वन पेंशन लागू करो लागू करो। माननीय प्रधानमंत्री जी 20 लाख अर्धसैनिक बलों के परिवारों की आवाज है, मत भूलिएगा। जरूर हम चाहेंगे कि आप भनंजा घोषित करें। अरे 26 जनवरी को कर दीजिएगा। बहुत बहुत सैल्यूट और सलाम सभी दोस्तों को। एक बार फिर से चलो चंचल मंत्र आप बोलेंगे 3 मार्च। चलो चंचल मंत्र 3 मार्च 3 मार्च चलो चंचल मंत्र 3 मार्च चलो चंचल मंत्र 3 मार्च पक्की लड़ाई 3 मार्च हक्की लड़ाई 3 मार्च 3 मार्च हक्की लड़ाई 3 मार्च 3 मार्च हक्की लड़ाई 3 मार्च 3 मार्च। हर सैनिक बल परिवार जागे हैं, इसलिए सरकार जागे समय रहते, नहीं तो ये नजारा फिर देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बहुत आपकी सेहत और सौरत में चार चांद लगे और स्पेशल कर्नाटक को सलूट और सलाम। कर्नाटक को सलूट और सलाम। बहुत बड़े आप जैसे दीवाने अगर हो जाए मस्ताने और पूर्व प्रधानमंत्री इस लड़ाई में शामिल हो ही गए तो आपको बिग सलूट। संसद की रक्षा कौन करे? पैरामिलिट्री फोर्स। 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 बॉर्डर की रक्षा कौन करे? पैरामिलिट्री फोर्स। देश के अंदरूनी हालात की रक्षा कौन करे? पैरामिलिट्री फोर्स। आवाज दो